Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की जो हमारी रेसिपी है उसका नाम है कलेजी की कढ़ाई। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं कलेजी की कढ़ाई। रेसिपी की तरफ जाने से पहले आप लोगों ने करना है मेरा एक काम, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को करना है प्रेस। अब चलो चलते हैं रेसिपी की तरफ। कलेजी की कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो कलेजी का अमाउंट है वो आधा किलो है। तो आधा किलो के हिसाब से मैं आपको कलेजी की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी। तो यहाँ पे जो है मैंने दो पली मतलब हाफ कप जो है ऑयल लिया है। ऑयल के गर्म होते ही मैं इसमें एक बड़ी साइज़ की प्याज ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे तरीके से चला के मुझे इसको लाइट पिंक सा करना है, तो इन अ सेंस के कलर इसका चेंज हो जाए। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से प्याज का तकरीबन कलर चेंज होना है। अब मैं इसके अंदर कलेजी ऐड कर लूँगी, अच्छी तरीके से वॉश करके कलेजी को ऐड करना है। अब मैं इसमें एक चम्मच भर के अदरक लहसुन का ऐड करूँगी और जो है कलेजी को अच्छी तरीके से इसमें लाल कर लूँगी। तो यहाँ पे कलेजी का कलर चेंज हो गया है, लाल हो चुकी है कलेजी। अब मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड करूँगी। गरम मसाले में मैंने काली मिर्चें, लौंग, तेज़पात का पत्ता ऐड करा है। गरम मसाला डाल के थोड़ी देर चलाया, उसके बाद मैं इसमें यहाँ पे दो टमाटर ऐड कर दूँगी। दरमियाने साइज़ के दो टमाटर आपने इसमें ऐड करने हैं। साथ में जो है ये ज़ीरा और हल्दी, और आधा चम्मच हल्दी तेज़ है तो आधा चम्मच और हल्की है तो एक चम्मच डाल दें। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, चिली फ्लेक्स डाले हैं मैंने इसके अंदर। अगर आप मिर्चें तेज़ खाते हैं तो आप वैसे ही रखें। और यहाँ पे जो है मैंने हल्का सा पानी इसमें ऐड करा और मैं इसको रख दूँगी अब हाई फ्लेम पर पकने के लिए, क्योंकि ये कलेजी चिकन की है तो ये जल्दी पक जाती है। तो यहाँ पे जो है इसके अंदर पानी है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कलेजी हमारी पक चुकी है। ये देखिए कलेजी पूरी तरीके से पक गई है और पानी बचा है, तो मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि पानी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी रह गया है, तो इसी के साथ मैं इसके अंदर जो है ना दही ऐड करूँगी। दही मैंने 4 से 5 चम्मच लिया है, आप फेट के अच्छी तरीके से दही को आप लोगों ने लेना है। तो इसमें थोड़ा सा पानी है तो हम इसी पानी के साथ जो है दही ऐड कर देंगे ताकि ये दही जो है इसी पानी के साथ भुन जाए। जब भी डालें सालन में या तो सालन को ठंडा कर लें फिर डालें, या पानी दही में ठंडा पानी मिला के डालें, इससे जो है ना छोटे छोटे से वो आ जाती है ना दाने दाने से दही के, वो चीज़ नहीं आती फिर सालन के अंदर। तो यहाँ पे जो है मैं तेज़ आंच पे इसको भून लूँगी अच्छे तरीके से ताकि जो है ये जितना भी कच्चापन है पानी इसके अंदर रह गया है मसाले के अंदर वो सब अच्छे तरीके से भुन जाए और तेल उतर जाए। तो माशाल्लाह से यहाँ पे जो है हमारी कलेजी की कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। तो अब बारी है इसको गार्निश करने की, तो जो मैं हरे धनिया से इसको गार्निश करूँगी। ये इसकी फाइनल लुक है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है वही पुराना काम कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, सपोर्ट करना है और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है। वीडियो पसंद आया करें तो लाजमी अप्रिशिएट किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को शेयर करा करें ताकि कभी कभी जो बंदा डीमोटिवेट हो जाता है ना तो फिर उसको मोटिवेशन मिल जाती है। अगर 2-3 सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं, लाइक अच्छे आ जाते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें। इंशाल्लाह ताला मैं एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।